जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय साथियों। नवरात्रि न केवल व्रत के लिए, पूजा पाठ के लिए, बल्कि हमारे जीवन के बहुत सारे दुख और दरिद्रों को दूर करने का एकमात्र साधन है। देवी माँ के नौ स्वरूपों की पूजा हेतु अति शुभ मंगलकारी समय आ चुका है। अगर आपके घर में भी रोग, शोक, दुख, कलह, चिंता, पारिवारिक कलह, टोना टोटका, कार्य में बाधा, मैरिज और मैरिटल लाइफ में कोई अशांति है, ऐसी संपूर्ण कलियुग की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। सिद्धांत के अनुसार हमने यानी आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने सभी भक्तों के पूर्ण सुख शांति दायक जीवन बनने के लिए विद्वान पंडितों के सानिध्य में नवरात्रि के नौ दिनों तक नव दुर्गा की पूर्ण प्रसन्नता के लिए अखंड ज्योति के समक्ष अति पवित्र एवं अभिमंत्रित माँ बगलामुखी यंत्र, आपके लिए रक्षा सूत्र और हल्दी की माला के साथ अष्टगंध की पूजन सामग्री हम तैयार कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार के कष्ट से जूझ रहे हैं तो ये सामग्री आपको नवरात्रि के बाद हम पहुंचा देंगे। आप अपने और अपने सौभाग्य के लिए अगर इसे पाना चाहते हैं तो आप तुरंत संपर्क करें ताकि समय रहते पंडित जी की व्यवस्था आपके लिए की जा सके और नवरात्रि के बाद वो सामग्री आपको भिजवाई जा सके। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुंचे नाव ज्यों, मिली के बिछुरी जाही। इस जगत में ना कोई हमारा अपना है और ना ही हम किसी के हैं। ना हम किसी के साथ पैदा हुए हैं, ना हम किसी के साथ मरेंगे। जैसे नाव के नदी पार पहुंचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछुड़ने वाले हैं। सब सांसारिक संबंध यहीं छूट जाने वाले हैं। इसलिए किसी से मोह बांध रहा, कोई आपसे दूर चला गया, बिछुड़ गया है, उसके लिए विलाप करना कोई आवश्यकता नहीं। खुद से मिलिए, एक मुलाकात खुद के साथ करिए, आपको बहुत आनंद आएगा। इससे आप निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनेंगे और यही आज आपके लिए सफलता का गुरु मंत्र बन जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। 27 मार्च रविवार आज का राशिफल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, मैं आने वाली कुछ डेट्स दे रहा हूं। अगर आप वहां रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 27 मार्च को मैं लुधियाना में हूं, 28 मार्च दिल्ली, 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल को दुबई में हूं, 8 अप्रैल मुंबई, 9 अप्रैल पुणे, 10 अप्रैल अहमदाबाद और 15 अप्रैल को दिल्ली, 16 अप्रैल मेरठ, 17 अप्रैल को काठमांडू हूं। उसके बाद 22 अप्रैल बेंगलुरु, 23 अप्रैल हैदराबाद, 24 अप्रैल को कोलकाता और 25 अप्रैल को मैं जमशेदपुर में रहूंगा। चंद सेकंड अब आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। प्रिय साथियों, आज शाम को 6:04 तक तो दशमी और बाद में एकादशी तिथि रहेगी और आज ही दोपहर में 1:31 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और बाद में श्रवण नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंद आदि, सुनफा और अनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आज दो नए राजयोग बन रहे हैं, शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग और रोचक योग का लाभ मिलेगा। आज से शनि चंद्रमा का विष दोष अब दो दिन तक रहेगा। चंद्रमा क्योंकि मकर राशि में रहेंगे, कल ही आ गए थे। आज प्रिय साथियों, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो आज आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोपहर 4:30 से 6 तक तो पहले राहुकाल लिख लीजिए और सुबह 7:02 से शाम को 6:04 तक स्वर्ग लोक की बद्रा रहेगी, इसलिए बद्रा में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। 6 राशि का राशिफल देखने के बाद बॉस से संबंधों को सुधारने के लिए विशेष उपाय होगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान। मेष राशि, पिता के आदर्शों पर चलना, पिता की देखरेख, उनकी छाव में उनसे कोई सीख लेकर आज चलना शुभ रहेगा। व्यवसाय कार्य को लेकर किसी के साथ भी बातचीत अथवा मीटिंग करें तो पहले उसके बारे में रूपरेखा बना ले, वरना आप बाद में पछताएंगे। नौकरी पेशा लोग फाइनेंस से जुड़े मामलों में आज सावधानी ज्यादा रखें। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी संडे को फंडे बनाने के लिए परिवार के साथ मनोरंजन और हास्य, कुछ न कुछ ऐसे काम आप जरूर करेंगे जो आपको पसंद आए। अपने विचारों को सुलझाने के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए समय निकालें। जीवन में शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति को सदैव ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर करियर को श्रेष्ठ बनाने के प्रयास में जुट जाएंगे। सेहत को लेकर सतर्क आप हो रहे हैं, जो अच्छी बात है। वृषभ राशि,
सोशल लाइफ अच्छी रहेगी, समाज परिवार गली मोहल्ले सोसाइटी के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। बिजनेस मीटिंग में खास लोगों के बीच किसी गंभीर विषय को लेकर चर्चा होगी जो कि सकारात्मक रहेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर किसी समस्या का हल मिल जाने से डिप्रेशन तनाव कम होगा। अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलें। आज सुरक्षित और जिम्मेदार आर्थिक विकल्प अपनाएं। अनर्गल खर्चे न करें। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती है जिन्हें आप कुशलता से पूर्ण कर पाएंगे। प्रिय साथियों, घर परिवार वालों को वक्त रहते वक्त न देना। वक्त आपको बहुत कुछ सिखा देता है, इसलिए आज संडे को फंडे बनाएं, खूबसूरत यादों को अपने भीतर समेटें। परिवार जहां, मेरे प्रिय साथियों जब कोई बात कहता हूं तो लिखें, परिवार जहां जीवन शुरू होता है और प्यार जहां कभी खत्म नहीं होता है। स्टूडेंट अपने फील्ड में गजब की आज फूर्ति दिखाएंगे। मिथुन राशि, यात्रा में थोड़ी समस्या आ सकती है, छोटी यात्रा कर लें, किसी और को भेज दें या फिर पूरी सतर्कता के साथ यात्रा करें। बिजनेस में वर्तमान नकारात्मकता रहेगी और परिस्थितियां कहीं ना कहीं हल ढूंढने के बजाय और उलझ जाएंगे। आज शनि चंद्रमा के विष दोष के बनने से मित्र भी गलत सलाह दे सकते हैं, कोई आपको भ्रमित कर सकता है, गलत फहमी डाल सकता है, आपको कोई तकलीफ दे सकता है। विश्वास अंधा न करें, बेहतर होगा कि घर के किसी सदस्य की सलाह अवश्य लें। वर्क प्लेस पर विरोधी हावी होने से दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको शांति धारण करनी होगी। शांति की स्टार्टिंग मुस्कुराहट से होती है। परिवार में अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आज परिवार के साथ बैठिए, भोजन करिए, गीत गुनगुनाएं, कुछ न कुछ ऐसा करिए जो आपको मजा आ जाए। जीवन में आपका साथ देने वाले लोग अति महत्वपूर्ण होते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या जनरल एग्जाम, सेहत में आज गड़बड़ी होने से आपको कोई तकलीफ आ सकती है, इसलिए पहले सेहत को सुधारें। कर्क राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, किसके साथ आप जुड़े हैं, मनभेद और मतभेद खत्म कर दें। बिजनेस करने वालों की इनकम तो अच्छी रहेगी परंतु खर्चे और कर्जे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आज किसी से बेल मुलाकात गेट टूगेदर में आपको बहुत मजा आएगा। लाभ हाथ लगना और मन हर्षित होना दोनों हो सकता है। वर्क प्लेस पर किसी मीटिंग में आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका आज निभानी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप से संबंधित बातों में स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपको अपने अंदर नकारात्मकता को दूर फेंकना पड़ेगा। संडे को फंडे बनाने के लिए आज खर्चे और कर्जे दोनों ही बढ़ने वाले हैं, लेकिन समझदारी के साथ परिवार के साथ एंटरटेनमेंट करें, दिखावे में कोई कर्जा न लें। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सामान्य ही लेकिन आज का दिन अच्छा रहेगा, पहले से बेहतर सेहत है लेकिन घुटनों का दर्द परेशान करेगा। सिंह राशि, कर्जा एक अभिशाप है, कर्ज को चुकाने के लिए कई बार कर्ज लेना पड़ता है, तो आज ध्यान दीजिए कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे। पब्लिक डीलिंग और मीडिया से संबंधित लोग अपने व्यवसाय पर अधिक ध्यान दें। इस समय आपका पूरा ध्यान आपके बिजनेस पर होना चाहिए, जो भी करो प्रोफेशनल तरीके से करिए। मेरे प्रिय साथियों, नौकरी में आप अपना काम पूरा करने के लिए आज कमर तोड़ मेहनत करें और अधिकारियों द्वारा आपको प्रोत्साहन भी इसके बाद मिलेगा। वर्क प्लेस पर किसी सहकर्मी से हुए मनभेद और मतभेद को दूर कर दीजिए। मैं कई बार कहता हूं कि अपनी गलती है, माफी मांग लीजिए, अगले की है, माफ कर दीजिए। जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों में भी नजदीकी आएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ भावनाओं का आदान प्रदान होगा। एक अच्छा सरप्राइज गिफ्ट या पार्टी दी जा सकती है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ग्रहों की कृपा आप पर है, पैरों में दर्द थोड़ा परेशान कर सकता है। कन्या राशि, आज आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, अपने या अपनों के बीच में निखार लाना है। जिस चीज के लिए आप लोगों पर निर्भर रहते हैं वो चीज खुद सीखिए, नए काम सीखिए। आपके भीतर आज एक मैकेनिक जागृत होगा और आप घर के काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। सुनफा योग के बनने से बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा आपके हाथ लगेगा। अपने सिंचित या यूं कहें कि जो भी धन आपके पास है उसे संभाल कर रखें और योजनाबद्ध तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। वर्क प्लेस पर अपनी क्षमताओं को आप पहचानिए, आपके भीतर इच्छा शक्ति की या समय की कोई कमी नहीं है, बस कई बार आप चूक जाते हैं। संडे को फंडे बनाने के लिए आज परिवार के साथ डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, मौज मस्ती के लिए समय निकालिए। परिवार के साथ व्यतीत हुआ ये पल आपको हमेशा याद आएगा। बच्चों को संस्कार देने के लिए, बच्चों की परेशानी सुलझाने के लिए आज का दिन अच्छा है। घर से दूर रह रहे स्टूडेंट को अपने परिजनों के साथ बिताए हुए समय की बहुत याद आएगी। किसी निकट संबंधी के स्वास्थ्य में सुधार आपकी वजह से होगा, जरूर लोगों की मदद करिए। आइए छह राशि बाद बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बॉस से संबंधों को अनुकूल बनाने के लिए क्या करें? देखिए, बॉस इज ऑलवेज राइट, एक तो ये कहावत आपने सुनी होगी। इसके अलावा
कई बार क्या होता है कि लोग या तो चापलूस होते हैं या फिर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो दोनों ही चीजों में बॉस को ऐसे लोग पसंद नहीं है। बस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, कब क्या बोलना है, यानी बोलना भी आना चाहिए और सुनना भी आना चाहिए। अगर इसकी रिसर्च हो तो बॉस से अच्छी बन सकती है। रविवार के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए आपको, कलाम साहब ने भी कहा था कि सूर्य की तरह यदि चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना सीखिए। आज रविवार के दिन अपने भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करें। साथ ही रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, उसे सुनना और उनकी पुस्तकों को मंदिर में बांटना कई तरह के दोष दूर कर लेते हैं और बॉस के साथ आए हुए संबंध दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि आज वजन के बराबर गेहूं का दान करें। तुला राशि, परिवार की सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए आज आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। बिजनेस में दिन मध्य में सही लेकिन अच्छा जरूर है। दिन की शुरुआत में आप बेवजह की चिंताओं से न करें। वेश दोष के बनने से अज्ञात भय जरूर परेशान करेगा, काम में रुकावट आएगी, मन दुखी होगा, लेकिन प्री प्लान तरीके से दिन को गुजारोगे तो कई तरह के लाभ मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी भावनाओं का कोई नाजायज फायदा उठा रहा है, लेकिन यह सिर्फ आपका भ्रम रहेगा। अपने आत्मसम्मान और विश्वास और मनोबल को मजबूत बनाने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। आपके परिवार वाले आपका साथ देंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कई कठिनाइयों से आज आप निकल पाएंगे। कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए आमतौर पर हमें उसमें से गुजर कर जाना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से भी आप मजबूत बनेंगे। वृश्चिक राशि, दोस्तों से आज आपको मदद मिलेगी, बॉन्डिंग मजबूत करने का मौका मिलेगा और दोस्तों के साथ पूरी दोस्ती निभाइए, वफादारी निभाइए। बिजनेस में हर एक काम को पूरा करने के लिए अपेक्षा से अधिक आपको मेहनत करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर बॉस और सबॉर्डिनेट्स के साथ किसी तरह का मिस कम्युनिकेशन न रखें। जो भी बात करें उसमें दो मतलब न निकले, गलतफहमी पैदा हो जाएगी। गलतियां सुधारी जा सकती है, गलतफहमियां भी सुधारी जा सकती है, मगर गलत सोच कभी नहीं सुधारी जा सकती है। आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में अच्छा तालमेल बिठाओगे तो प्रोफेशनल भी अच्छा कर पाओगे, संडे को फंडे बनाने के लिए परिवार को वक्त भी दे पाओगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज जो करोगे कल उसी में से निकलेगा, इसलिए भविष्य सुधारने के लिए वर्तमान में खूब मेहनत करिए। धनुराशि, आज सत्कर्म, पुण्यकर्म, स्पिरिचुअलिटी, दान पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य से बेहतर हो सकती है। किसी भी गतिविधि में ज्यादा आप ध्यान न दें, बल्कि पेंडिंग काम को पूरा करने में ध्यान ज्यादा दीजिए। अनावश्यक खर्च और अनावश्यक आप किसी जगह बैठे दोनों नुकसान देगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बॉस के साथ सुर ताल लय अच्छा बिठाने का है। आप अपनी अच्छाई का फायदा जरूर पाएंगे और आपके रुके हुए काम भी आज बनेंगे। पति पत्नी यानी लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर बीच सहयोग बढ़ेगा। प्यार, इश्क और मोहब्बत, अच्छी खरीदारी करने का मौका मिलेगा। घूमना फिरना, गेट टुगेदर का मौका आज मिलने वाला है। पुरानी खुशनुमा यादें अब तरोताजा होगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके लिए आज अच्छे नतीजे लेकर आ रहा है। सेहत पहले से बेटर है। हर मनुष्य अपने स्वास्थ्य का खुद ही लेखक होता है, इसलिए हेल्थ पर ध्यान जरूर दीजिए। मकर राशि, मन को शांत रखिए, चित्त शांत रहेगा तो आज के दिन इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। अच्छी किताब पढ़ने का, अच्छे वीडियोस देखने का, अच्छी मूवी देखने का, आपको एंटरटेनमेंट करने का, परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। व्यापार में दिन काफी फायदेमंद है, आधा दिन बहुत फायदेमंद है। ग्रहों की स्थिति आपके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। वर्क प्लेस पर आप काफी आत्मसम्मान और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। दोपहर के बाद काम कम करें, परिवार को ज्यादा समय दें। सुनफा और सर्वार सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे प्राप्त करेंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए आज पहल करिए। प्रिय साथियों, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज का दिन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के साथ साथ प्रोफेशनली काम करने का है। यंग एंटरप्रेन्योर, आईटी प्रोफेशनल और ऐसे लोग जो जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन ध्यान केंद्रित करने का है, मजा आ जाएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। नए संबंध और नए संपर्क बनने वाले हैं। सोशल मीडिया राह चलते किसी से मुलाकात आपको रास आएगी। बिजनेस में दिखावे की वजह से व्यर्थ की फिजूल खर्ची न करें, इसकी वजह से आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। आपके स्वभाव में ईगो, जल्दीबाजी और उससे निकले हुए बुरे शब्द परेशान करेंगे। आप कुछ विचलित होने वाले हैं। वर्क प्लेस पर चली आ रही समस्या के चलते आप हल्का डिप्रेशन में रहेंगे। अपने आप को जितना हो सके व्यस्त रखें, इससे आप डिप्रेशन के शिकार कभी नहीं होंगे। परिवार का माहौल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जीवन साथी, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ बहस मत करिए, प्यार करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, चाहकर भी आज खास नहीं कर पाएंगे, बल्कि कई दूसरी चीजों में उलझे रहेंगे।
आंखों में जलन, शरीर में इंफेक्शन परेशान करेगा। खान पान पर ध्यान दीजिए। मीन राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, इनके साथ बॉन्डिंग मजबूत रखिए। वाशी योग के बनने से पार्टनरशिप बिजनेस में दिन आपके लिए शानदार रहेगा। कानूनी मामले आपके पक्ष में रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग की वजह से परिवार में नए खर्चे होंगे। वर्क प्लेस पर ग्रहों की स्थिति आपकी अच्छी है, इसलिए कार्यालय में आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होने वाले। संडे के लिए परिवार के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, नजदीकी बढ़ेगी। आप अपने लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ जो समय बिता रहे हैं वो बहुत रास आएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने अपने फील्ड में आ रही दिक्कतें कुछ कम होगी। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। योग वह प्रकाश है जो एक बार, मेरे प्रिय साथियों हमेशा कोई बात कहूं तो उसे नोट करना चाहिए, योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता है। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे लौ उतनी ही उज्जवल होगी। मेरे प्रिय साथियों आइए बात करते हैं आज के एस्ट्रो ज्ञान की। अगर आपकी राशि तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन है तो आपके लिए शुभ दिन है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन सामान्य है। वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले लोगों को संभल के रहना चाहिए। फिर भी कोशिश करें कि आज आप तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम और चावल डालकर ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। कुछ गेहूं का दान आज जरूर करें, आपका दिन अच्छा होगा। राशि पर आए हुए संकट के बादल छंट जाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।